हेलो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन दोस्तों ये सेशन मेरे को एक जुलाई से शुरू करना चाहिए था रात में नौ बजे से बट आज सेकेंड जुलाई को मैं शुरू कर रहा हूँ और उसके पीछे एक ही रीज़न था कि कल जब मैं लाइव आ रहा था देन सडनली आई फाउंड कि मेरा जो इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो हो गया है यहाँ मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो कुछ तो इंटरनेट का ग्लिच हुआ और मैं लाइव नहीं आ पाया सो so, ये रिस्क मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाया था और बहुत लोगों ने मेरे से लिंकड पे और व्हाट्सएप पे इसके बारे में पूछा था सो so, मैं सबको बता रहा हूँ कि यार मैं अब से ना रिकॉर्डेड सेशन ही अपलोड कर दिया करूँगा और जब थोड़ा इंटरनेट स्टेबल हो जाएगा कुछ दिनों में थोड़ा बारिश वगैरह कम हो जाएगी मुंबई में देन डेफिनेटली आई विल स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स लाइव सेशन ठीक है बट मैं आप लोग के सारे कमेंट्स चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे यूट्यूब पे आप लोग डाल रहे हैं अभी देखिए फैक्ट यही है मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं सो so, जो भी कमेंट आते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसको तुरंत मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करता हूँ सेम इज़ फॉर व्हाट्सएप में व्हाट्सएप में भी आप जो भी मैसेज डालते हैं मैं वो सारे पढ़ता हूँ और सबका कर रिप्लाई करता हूँ जिन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज डाला है वो मेरी बात को रिलेट कर सकते हैं चलिए अभी अपने मुद्दे पे आते हैं सी आई एस एम प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं देखिए सी आई एस एम मैं अगर ऐसे बोलूँ कि साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में अगर आप आना चाहते हैं या आप ऑलरेडी आ चुके हैं सो so, दोनों ही केस में अगर आप सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का ये कोर्स या सर्टिफिकेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज में आपके कैरियर में एक बहुत बढ़िया सा ग्रोथ हो सकता है ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ ये जो फीडबैक मेरे साथ शेयर किए हैं जिन लोगों ने सी ISM का सर्टिफिकेट पास किया है इंक्लूडिंग मी मैं उसके बेसिस पे ही आपको बोल रहा हूँ और आप खुद भी रियलाइज़ करेंगे जब आप सी सर्टिफाइड हो जाएंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि आपकी नॉलेज आपका जो सोचने का जो तरीका है या जो सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होगा द वे यू आर थिंकिंग एज ऑफ नाउ और ये देखिए आप इस स्लाइड में भी देखिए अच्छा जो भी स्लाइड में मैंने पॉइंटर्स uh, लिखे हैं ये इसमें मोस्टली जो भी मैं फैक्ट्स एंड फिगर जहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये सारे इसाका डॉट ओ आर जी साइट से हैं मैं इसाका डॉट ओ आर जी वेबसाइट को भी अभी आपको एक बार वॉकसॉप कराऊंगा फटाफट तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप वो डेटा वहाँ पे भी देख सकते हैं ठीक है तो सी आईसम विल गिव यू अ गुड विज़िबिलिटी जो आपको चाहिए चाहे इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको लोग देखेंगे कि लाइक आई कैन अप्रोच दिस गाय फॉर सर्टन हेल्प फॉर सर्टन गाइडेंस फॉर सर्टन स्ट्रेटजी डिस्कशन वो सब आपको विजिबिलिटी मिलेगी इनफैक्ट अगर हम लोग एवरेज एनुअल सैलरी की भी बात करते हैं तो एज पर इसाख़ा डॉट ओ आर जी एवरेज अराउंड वन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड यू डॉलर की एवरेज एनुअल सैलरी होती है जो लोग सी एस सर्टिफाइड हो जाते हैं और वर्ल्ड वाइड मिलियंस ट्रिलियंस में लोग हैं और उसमें से केवल फोर्टी एट थाउजेंड प्लस लोग ही हैं जो सी आई प्रोफेशनल्स हैं सो so, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ओके okay, सो so, आज का एजेंडा के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए मैं कौन हूँ मैं सीआईसम सर्टिफाइड हूँ भी कि नहीं और मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ ये अभी नया नया ज्ञान मैंने लिया है या कुछ नॉलेज मेरे को है भी वो सब चीज़ें मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताऊँगा फिर मैं थोड़ा सा सीआईस के बारे में बताऊँगा कुछ फैक्ट्स फिगर बेनिफिट वो सभी मैं आपको बताऊँगा इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर सीआईसम की वेबसाइट पर ले जाऊँगा सॉरी इसाका की वेबसाइट पर ले जाऊँगा जहाँ पर आपको सी और बहुत से सर्टिफिकेट्स हैं जो आप वहाँ पे आप समझ सकते हैं तो सी आईस एम इज़ वन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट उसके अलावा भी बहुत सारे हैं तो आपको सी आईसएम करना है या और कौन सा करना है सर्टिफिकेट या कोई और करने में आप इंटरेस्टेड हैं वो सारी बातें मैं वहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा इसके बाद भाई आप आप लोग अभी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं ये लंबा जर्नी है ठीक है इसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो आपको एक स्ट्रेटजी एक प्लान बनाना पड़ेगा तो वो प्लान कैसे बनेगा वो मैंने एक वीडियो बनाया है बट आज भी मैं डिस्कस करूँगा तो थर्ड पॉइंट में हम लोग प्लान एंड स्ट्रेटी के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे एक एक्सेल शीट है जो मैं आपको दिखाऊंगा भी और आपके साथ डिस्कस भी करूँगा ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेटजी एंड प्लान और लास्ट में आपको एक स्केडूल बनाना होगा आपको कंसिस्टेंसी आपको एक कंप्लीट पाथ के बारे में आपको बताऊँगा जो सियासम सर्टिफिकेशन का जो पाथ है मेरे हिसाब से अगर आप उस पाथ पर चलेंगे तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप सी एस एम सर्टिफाइड हो जाएंगे ठीक है तो ये सारे चारों पॉइंट्स आज के सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे पहले पहली साइड पे आते हैं दिस इज अबाउट मी सो दोस्तों मेरा नाम शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव है मैंने आ, अपने लगभग टू डिकेट्स के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने बहुत से डोमेन में काम किया है चाहे वो रिटेल का हो बीएफएसआई में हो टेलीकॉम में हो मार्केटिंग रिसर्च में हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में हो इन सब में मैंने बहुत डिटेल में कई सारे डोमेन में काम किया है अगर मैं अपने सर्टिफिकेट्स की बात करूं तो मैंने सी आई एस एम सी डी पी एस सी 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 एस के सी ए सी ए टेक्नोलॉजी पर सर्टिफिकेट तो नहीं बट काम किया है ये और इसके अलावा साइबर आर्क और इस प्लंग सर्टिफिकेट भी मैंने मेरे पास मैंने uh, मैंने अर्न किया है और रिसेंटली इनके इसके अलावा आई सी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन टू जीरो वन थ्री एल ए बी सर्टिफिकेट किया है इसके अलावा अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो थर्ड ऑफ अप्रैल को आई स्क्वायर का एक सर्टिफिकेट है सी सी सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी वो भी मैंने अभी रिसेंटली ये मेरा अब तक का लेटेस्ट सर्टिफिकेट है जो मैंने अभी किया है जो पहला वाला आइकन आप देख रहे हैं ना ये ब्लू वाला दिस इज सी सी सर्टिफिकेट इन मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ एक बार आप देख लीजिएगा मैं इस सर्टिफिकेट की बात करूँ ये सी सी एस के दिस इज़ फॉर क्लाउड सिक्योरिटी ये सी आई एस एम का है ये डेटा प्राइवेसी देन दिस इज़ फॉर साइबर आर्क ये टूल है ये भी टूल है सिम टूल रहता है ये आई एम टूल रहता है ये भी आई एम टूल है देन ये कंप्लायंस होता है एन आई एस टी इज अ सर्टिफिकेशन आई एस 2013 ट्वेंटी लीड ऑडिटर का इसके अलावा पीएमपी पी और प्रिंस टू का ट्रेनिंग भी मैंने लिया है ठीक है सो मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरी मैनेजमेंट ट्रांजिशन मैनेजमेंट ये सारे ही रोल मैंने प्ले किए हैं तो so, उसमें मेरे को ये जो ट्रेनिंग होती है ना पी की या प्रिंस टू की ये मेरे को हेल्प करती है ये इसाका बेसिकली इसका मुंबई चैप्टर हर साल जो भी एस्पिरेंट सर्टिफाइड होते हैं उनके लिए वो एक uh, फैलिसिटेशन सेरिमनी वो कंडक्ट करता है जिसमें वो अवार्ड देता है तो ये मेरे पास uh, आप देख सकते हैं जो इसाख़ा मुंबई ने मेरे को दिया था सी आई एस एम का ये है और ये सी डी पी एस सी का है मैं इससे सही इतना ही जूम कर पा रहा हूँ इसे ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ तो आप यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हैं ये मेरा नाम है शरन कुमार श्रीवास्तव यहाँ पे नाम है और ये सी डी पी एस सी का था और ये सी आई एस एम का था ठीक है नीचे आप देख सकते हैं ये स्टेज था जहाँ पर हम लोग को ये अवार्ड दिया जा रहा था हमारे जितने भी सर्टिफाइड लोग थे ठीक है अच्छा इसके अलावा आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए ये मेरा लिंकडिन का प्रोफाइल है शैलेंद्र हाइफन श्रीवास्तव यहाँ से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है प्लीज़ कॉल ज़्यादा मत करिएगा इनफैक्ट आई वुड से आप कॉल मत करिएगा आप मेरे से व्हाट्सएप करिएगा मैं आपसे व्हाट्सएप से डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू इनफैक्ट अगर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी रहते हैं जो मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ एक एक्सल शीट रहती है जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटेजी और प्लान बताऊँगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा ठीक है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर कर सकते हैं कॉल आप प्लीज़ अवॉइड करिएगा इनफैक्ट इस ये मेरा डिफरेंट फोन है मैं इस पर ज़्यादा कॉल उठाता ही नहीं हूँ ठीक है so, सो अगर आपको कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा मैं व्हाट्सएप पर ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता हूँ ठीक है तो ये था थोड़ा बहुत मेरे बारे में चलिए आप थोड़ा सी के बारे में और समझते हैं देखिए आज के इन्वामेंट में अगर मैं आपसे ये बात करूँ सो तो डेटा ब्रीच या रैनसम अटैक्स या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए इनफैक्ट अगर आप रूस यूक्रेन के वॉर के बारे में बात करिए तो आपको आपने भी पढ़ा होगा कि साइबर सिक्योरिटी अटैक या साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए थे दोनों ही कंट्री ने एक दूसरे के ऊपर किए थे इनफैक्ट जो शुरू में वॉर में साइबर जो हैकर्स थे उन्होंने बहुत पाइविटल रोल प्ले किया था एक दूसरे को डैमेज करने में या yeah, इनफैक्ट uh, अभी कोविड की बात करें सो so, जहाँ लोग अपने वर्क फ्रॉम होम एन्वायरमेंट में काम कर रहे थे तो उनका इंटरनेट उतना सिक्योर नहीं था इन कंपैरिजन विद द बैंक इन्वामेंट तो उस टाइम uh, पे भी बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए थे कंपनीज के ऊपर और वहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी के जो प्रोफेशनल थे uh, जहाँ पे कोविड के इन्वामेंट में लोगों की जॉब जा रही थी डिमांड कम हो रही थी उनके डोमेन की वहाँ पे उस सिचुएशन में भी साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन था जहाँ पे डिमांड बढ़ रही थी ठीक है सो दैसफा आई एम कि अगर आप सी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं सो so कोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोफेशनल सर्टिफाइड लोगों की तरफ देखती है कि इफ़ वी कैन हायर देम देन प्रॉब्ली दे कैन हेल्प आवर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट प्रोटेक्टेड ठीक है तो सी में अगर आप जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो बेसिकली चार डोमेन हैं जो आपको फोकस करने पड़ेंगे जिस पर आपको खूब मेहनत करनी है पहला डोमेन है या पहला चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस आईएसजी ठीक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है पहला जिसमें सेवनटीन परसेंट क्वेश्चन आते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं कितने घंटे में एग्जाम देना होता है ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है अपने क्वेश्चन पर आप दिमाग में रखिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ट्राई करूँगा इसी वीडियो में मैं कवर कर दूँ ठीक है तो लगभग सेवेंटीन परसेंट क्वेश्चन आते हैं सेकेंड चैप्टर होता है रिस्क मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट जिसमें करीब ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन आते हैं थर्ड आता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम इसमें बेसिकली जो आपने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा है उसका एग्जीक्यूशन रहता है इन्फॉमेसन सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट का ठीक है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल डोमेन इसके बारे में आपको थोड़ी सी और डिटेल बताता हूँ एक बार मैं आगे इसके बारे में फोर्थ डोमेन के बारे में बताता हूँ फिर वापस मैं थर्ड डोमेन पर आता हूँ सो so, थर्ड डोमेन में 33 थ्री परसेंट क्वेश्चन आते हैं और जो लास्ट डोमेन होता है इंसिडेंट मैनेजमेंट ये होता है <coughs> 30 परसेंट ठीक है सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल 100 परसेंट आपका इसी चार डोमेन से आता है अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ देखिए जब आप बुक उठाते हैं सी की पढ़ाई करने के लिए तो पहला जो डोमेन होता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस बहुत मज़ा आएगी पढ़ने में आप में फुल एनर्जी रहेगी फुल जोश रहेगा आपके मन में बहुत सपने होंगे और ये पढ़ते पढ़ते आपका चैप्टर कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और इसमें आप अपने को रिलेट करेंगे यार गवर्नेंस में मैं भी तो यही करता हूँ या मैं भी ये करना चाहता हूँ मैं ये भी करूँगा तो ये डोमेन पहला डोमेन आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगी आप इन्जॉय करेंगे इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट का आ, या आप इस डोमेन में हैं साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में तो आप जब सेकंड डोमेन को पढ़ रहे होंगे ना आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि यार ये क्यों ना मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉलो होता है कि नहीं होता है मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ और मैं इसको अपने यहाँ एक बार अपने बॉस से या आ, अपने कलीग से एक बार डिस्कस जरूर करूँगा वो सारी फीलिंग यहाँ पे आपको आने ने शुरू हो जाएगी आप इसको रिलेट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि ये कहाँ पे होता है या होता है कि नहीं होता है यहाँ तक फर्स्ट और सेकेंड डोमेन तक आपको खूब मजा आने वाली है आई वुड से कि जो सेकेंड डोमेन है ना इसमें तो बहुत मजा आएगी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और मैं आपको एक प्रिकॉशनरी रूल भी बता रहा हूँ सेकेंड डोमेन को आप जितना स्लो पढ़ेंगे आपको डिटेल में और मजा आएगा और आपको सुनने आपको समझने में बहुत मजा आने वाली है सेकेंड डोमेन को आप बस सुनिएगा मन में बोलिएगा और मन में सुनिए समझिए ये इन्जॉय करने वाला दो दो डोमेन है ठीक है थर्ड डोमेन आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम भाई साहब प्लानिंग सॉरी आपकी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म हो जाएगी थर्ड डोमेन ऐसा है ना जो कंप्लीट बुक में सबसे बड़ा चैप्टर है सबसे आ, बोरिंग है उसका रीज़न ये कि इसमें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है तो, टॉपिक्स के रिपीटिशन है कंसेप्ट के रिपीटिशन है तो आपको ये पढ़ते पढ़ते आप सो सोच रहे हैं कि ठीक है अभी मैं तो पूरी लय में आ गया हूँ अभी तो आई कैन एक्सप्लेन वॉट एवर यू वॉन्ट बट आई एम एंड मेरे को सियासम की जो तैयारी हो रही है बिल्कुल मस्त जा रही है सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है बट प्रॉब्लम होती है कि जब आप थर्ड डोमेन पढ़ रहे होते हैं एक मिनट दोस्तों कुछ तो ग्लिच हो गया यहाँ पे जस्ट गिव मी सेक सडनली मैंने जूम किया वो हैंग हो गया था मैं लैपटॉप लैपटॉप बदलने का भी टाइम आ गया है देखते हैं कभी बदलता हूँ सो थर्ड डोमेन में मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा बिकॉज रिपिटेशन है बोरिंग है और आपको लगेगा यार ये अभी तो टॉपिक मैंने पढ़ा था फिर से क्यों आ गया ये सारे आपके दिमाग में क्या लाएंगे लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे या इनफैक्ट जब आप सर्टिफाइड हो जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि अगर यहाँ पे कोई टॉपिक रिपीट हुआ है तो उसका एक रीज़न है बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन मल्टीपल और डिफरेंट वेज इसलिए उन्होंने रिपीट किया ये बात मेरे को भी समझ में नहीं आई थी जब मैंने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया था जब ये चैप्टर ख़त्म कर लिया था तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ था ठीक है और चौथा चैप्टर आता है इंसिडेंट मैनेजमेंट का भाई साहब इंसिडेंट मैनेजमेंट तो एक ऐसा डोमेन है कि आप जब ये पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में आएगा कि यार अब भी मतलब ये मैं अपनी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अभी मैं अपने मैनेजर से पूछूँ कि भैया हमारे ऑफिस में इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान किधर है मेरे को वो पढ़ना है उसमें क्या क्या चीज़ें तुमने कवर करी हैं तुमने ये कवर किया है क्या उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं क्या टू हुम आई नीड टू कॉन्टेक्ट वेरी फर्स्ट थिंग ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में लगेंगे और नेक्स्ट डे जब आप ऑफिस जाएंगे तो आपके मन में आएगा कि ये पूछूँ देखूँ हाँ ये डॉक्यूमेंट है किधर एस ओ पीज हैं किधर वो सब डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने देखने समझने का मन करेगा आप अगर इस लेवल पे हैं सो बिलीव करिए ये आप चैप्टर इन्जॉय करने वाले हैं ठीक है और ये क्यूरसिटी आनी ही चाहिए अगर आप ये नहीं आ रही है सो मतलब आप डोमेन इंजॉय नहीं कर पाएंगे ठीक है सो ये है चार डोमेन जिसमें आपको खूब अच्छे से पढ़ना है अच्छा आगे बढ़ने से पहले देर इज़ ए वन मोर डॉक्यूमेंट और गाइड आई वुड से एग्जाम कैंडिडेट गाइड ठीक है ये आपको एक बार तैयारी शुरू करने से पहले या आई वुड से रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास ये गाइड होनी चाहिए और आपको ये एक बार पढ़ना ज़रूर चाहिए मैं आपको एक बार ये गाइड दिखा देता हूँ एक सेकेंड रुकिए मैं अपना व्यू चेंज कर देता हूँ एक बार मी में सेकंड PDF. ओके okay, ये गाइड है uh, किधर गया? आपको ये गाइड दिख रहा होगा बट ये गाइड डाउनलोड कैसे करते हैं मैं आपको एक बार पहले वो दिखाता हूँ फिर मैं इस पे आता हूँ ठीक है so, सो ब्राउज़र पहले मैं ब्राउज़र आपको दिखाता हूँ ओके okay, देखिए अभी आपको ये ब्राउजर दिख रहा है ठीक है देखिए ये इसाका डॉट ओ का वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आपको क्रिडेंशलिंग यहाँ पे जाना है ठीक है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा देखिए ये हैं कुछ सर्टिफिकेट जो इसाका डॉट ओ ऑफर करता है सी आई ए से दिस इज़ फॉर सिस्टम ऑडिटर देन ये हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं देन फॉर दिस इज सी रिस्क फॉर सर्टिफाइड इन रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल देन डेटा प्राइवेसी सोल्यूशन इंजीनियर दिस इज़ सी डी पी एस सी और दिस इज़ फॉर गवर्नेंस एंड एंटरप्राइज आई टी के लिए सी जी आई टी है ठीक है तो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था एक ये सर्टिफिकेट है मेरे पास सी आई एस एम का और ये सी डी पी एस सी का है ठीक है ये दो सर्टिफिकेट मैंने किए हुए हैं तो बेसिकली आपको करना है क्या आपको सी आई एस एम का ये जो आइकन है ना ये जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है मैं देखिए अभी इस पर क्लिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आई डाउट की अगर मेरा इंटरनेट स्लो हुआ फिर से तो वो बहुत टाइम ले लेगा तो जब आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह से पेज पर आएँगे ठीक है आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे देखिए मैंने सी आई सी एम पर क्लिक किया था देखिए ये यू आर एल में सी आई एस एम आ गया ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन शॉट दिखाया था वो मैंने यहीं से उठाया था और यहाँ पे फिर आप नीचे जाइएगा और नीचे देखिए आपको ये लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है आप डाउनलोड करिएगा दिस इज एग्जाम कैंडिडेट गाइड ये आपको बताता है रजिस्ट्रेशन शेड्यूल री ये सब डिटेल आपको बताता है तो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो देखिए ये आ जाएगा एग्जाम कैंडिडेट गाइड का यू और यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है ना इसमें देखिए बहुत सी लैंग्वेज इंग्लिश चाइनीज़ कोरियन जैपनीज़ इटालियन जर्मनी तुर्किश आपको इंग्लिश पर क्लिक करना है जब आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो एक पी डाउनलोड होगी और वो पी मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ और एक बार उसका मैं वक्त कराता हूँ फटाफट पी डी एफ किधर गया पी डी एफ ठीक है देखिए ये है इसाख़ा का सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम कैंडिडेट गाइड मैं थोड़ा सा अपनी फ़ोटो को साइड में करता हूँ एक सेकेंड रुकिए। थोड़ा फोटो मेरा बीच में आ रहा था ठीक है सो ये है इस आका का सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम कैंडिडेट गाइड ये आपको एक बार पढ़ना चाहिए आप अगर इसका कंटेंट देखिएगा तो आपको बहुत सारे आपके जो मन में क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने से पहले क्या करना चाहिए एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं शेड्यूल कैसे करते हैं एग्ज़ाम के लिए कैसे रेडी होते हैं क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम टाइम में ले जाना अलाउ है क्या क्या नहीं अलाउ है कितना पासिंग मार्क्स होता है कितने क्वेश्चन आते हैं अगर फेल हो जाएंगे अगर इनकेस ऊपर वाला ना करे कोई फ़ेल हो लेकिन अगर कोई फ़ेल हो जाए तो उसका क्या पॉलिसीज है पोस्ट एग्ज़ाम पास होने के बाद क्या करना होता है और सर्टिफिकेट मिलने के लिए क्या करना होता है ये सब बातें आपको बताएगा डिटेल में ठीक है मैं आपको फटाफट ये एक बार बता देता हूँ वरना आप के साइट पे मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करेंगे लॉगिन नहीं भी करेंगे तो भी आपको ये अलाउ करेगा ठीक है क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है मैंने भी बिना लॉगिन किए डाउनलोड किए फ्री डाउनलोड है सो आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे तो इन्होंने अपना छोटा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्ञान दिया है कि 188 कंट्रीज़ में 222 चैप्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड ये सब चीज़ें यह आप पढ़िए इग्नोर भी कर सकते हैं चलेगा ये कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं ठीक है थीके? ये आई एक नया इन्होंने भी शुरू किया है जिसमें ये सारे आई थिंक सिक्स या सेवन सर्टिफिकेट करने के बाद आपको आई टी सी का सर्टिफिकेट मिलता है और यहाँ पे भी सी ये ये जो लोग फ्रेशर्स हैं या जो लोग साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में इंटर करना चाहते हैं बैचलर्स हैं आ, उनके लिए ये सर्टिफिकेट्स हैं बट एनी anyway, आप समझना चाहें आप समझ सकते हैं कोड ऑफ एथिक्स है ये ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा टॉपिक रहता है ना जो आप कोई भी सर्टिफिकेट करिए ये मान के चला जाता है कि आप अगर सर्टिफाइड हैं देन यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इन सर्टेन वे सो so, उस केस में आपको कोड ऑफ एथिक्स आना बहुत ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड ठीक है अब यहाँ पे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है सीआईसम के बारे में देखिए थोड़ा सा इन्होंने बताया है इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए इसमें देखिए पाँच साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और अगर आपके पास इन्होंने आगे भी आपको बताएंगे देर आर सर्टन कंडीशनस अगर आप उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप दो साल का वेवर भी ले सकते हैं इन पाँच साल में अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ बेसिकली पाँच साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए जो इनके चार डोमेन हैं उसमें से किसी में भी आपको पाँच साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है तो जब आप पास हो जाते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है उस फॉर्म में चार डोमेन के अगेंस्ट में आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना होता है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट में कितना किया है आपने इंसिडेंट मैनेजमेंट में, में कितना किया आपने इन्फॉमेसन सिक्योरिटी गवर्नेंस में कितने साल का काम किया वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होती हैं अगर आपके पास एक भी साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको पाँच साल का टाइम मिलता है उस डोमेन में काम करने का और उसके बाद जब आप वो एक्सपीरियंस सबमिट करेंगे तब तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है अदरवाइज आप पास करके आप यू कैन शो केस टू एनी वन कि मैं एग्ज़ाम पास किया हूँ सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा ठीक है इसको कहते हैं प्रोविजनल पास वो आप वो आपको मिल जाएगा और आपने जैसे मास्टर्स किया है इंफॉर्मेशन in, सिक्योरिटी में तो आपको एक साल का आई थिंक वेवर मिलता है ये सब उस फॉर्म में लिखा रहता है जो आप फॉर्म भरते हैं मैं आपको अभी आगे दिखाता भी हूँ आपने सी आई एस ए किया हुआ है तो आपको आई थिंक दो साल का वेवर मिलता है कुछ तो आ, इनकी कंडीशन रहती हैं अभी सारी कंडीशन तो मेरे को नहीं याद है बट इतना मेरे को जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है अब ये तो देखिए जो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसके अलावा ये इतनी लैंग्वेज में है अब ये देखिए आपका क्वेश्चन आया ये जो सी आई एस एम का एग्ज़ाम है वो चार घंटे का होता है 240 मिनट जिसमें आपको 150 फिफ्टी क्वेश्चन लगाने होते हैं ठीक है लेकिन जो सी डी पी का होता है ये मैं आपको जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ये साढ़े तीन घंटे का होता है 210 मिनट जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं बाकी के सारे एग्ज़ाम जो हैं इनके इसमें चार घंटे मिलते हैं 150 फिफ्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं लगभग डेढ़ मिनट के आसपास आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलता है एंड आई एंड बिलीव मी डेढ़ मिनट बहुत होते हैं बहुत होते हैं अब आ जाता है आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे देखिए कंसर्ट आता है मेंबरशिप का और नॉन मेंबरशिप का अगर आप इसाका के मेंबर हैं आपको इसाका का मेंबरशिप लेनी पड़ती है मैंडेटरी नहीं है बट अगर आप इसाका की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फीस पड़ेगी 575 डॉलर की अदरवाइज ये आपको पड़ेगी 760 यूएस डॉलर की जो आपको पे करनी पड़ेगी ठीक है इसके बाद ये कुछ यू हैं इसको आप ज़रूर एक बार जाके पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम बिफोर योर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको जो आपका पीएसआई टेस्टिंग सेंटर है एक बार उसके बारे में आप देख लीजिएगा वो आपके आपकी सिटी में है भी कि नहीं है ठीक है जब आप जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ से एक कैंडिडेट को ट्वेल्व मंथ का टाइम पीरियड मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए सपोज़ अगर आपने आज किया तो आज से 365 डेज आपको मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए ठीक है तो मेंबरशिप अगर आपको लेना है तो तभी लीजिएगा जब आपको श्योर sure शॉर्ट पता हो कि आप 365 डेज़ के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं ठीक है फिर रजिस्ट्रेशन फॉर द एग्ज़ाम यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करिएगा देन लॉग इन करना रहेगा दैन देयर आर सर्टन एग्जाम डे रूल्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या अलाउ है वहाँ पर क्या अलाउ नहीं है वो सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं फिर कैंडिडेट कैन स्केड्यूल टेस्ट अपार्टमेंट एंट्रेल एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस आपको पूरा फीस जमा करना पड़ेगा जो कि नॉन रिफ़ंडेबल और नॉन ट्रांसफ़रेबल है ये सब इन्होंने बताया है और ये कुछ इम्पॉर्टें देखिए ये सारे इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं मैं भी सारे ओपन करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं अपने पॉइंट पे बात जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पाऊँगा तो कैंसिलेशन का रीशेड्यूलिंग का क्या प्रोसेस है वो सब यहाँ से मिल जाएगा और ये है आ, अगर आप रजिस्ट्रेशन कैसे चेंज करना चाहते हैं एक चीज़ में आपको बता जब ये रजिस्ट्रेशन का नाम आया तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो ध्यान रखिएगा आपका जो नाम है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वो वही होना चाहिए जो आपकी आईडी में हो जो आप अपनी गवर्नमेंट आईडी में जो आपका नाम है वही नाम रखिएगा वो लोग वही आईडी देखेंगे और उसमें अगर कुछ डिफरेंस आया तो प्रॉब्ली दे कैन रेज सर्ट एंड कंसर्न तो ध्यान रखिएगा आपको आईडी वही होनी चाहिए ठीक है ये एक प्रिकॉशनरी नोट है एक मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ मेरा नाम शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव है सो तो अगर मेरी किसी आई में शैलेंद्र श्रीवास्तव है तो प्रॉब्लम दे कैन रेज सर्ट कंसर्न बट आई ऑब्जर्व यू मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं इस पर कुछ ये नहीं कह रहा हूँ आपके साथ होगा कि नहीं होगा बट थोड़ी सी रियायत मिल जाती है मिडिल नेम के ऊपर बट फर्स्ट और लास्ट नेम वो मैंडेटरी ही होता है अगर आपके जो आपका आई डी गवर्नमेंट आई उसमें वही होना चाहिए मिडिल नेम में थोड़ी बहुत रियायत मिल सकती है बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक है इसके बाद देखिए वही जब इन्होंने बातें बताई हैं बहुत सारी अलग अलग शेड्यूलिंग गाइड है कैसे आपको अगर शेड्यूल करना है या रिश्केडुलग करना है ठीक है इसके बाद मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा था एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं ये सब देखिए ये सब इन्होंने बताया बजट योर टाइम पेस योर अपने एग्ज़ाम का आपको पेस आपको मेंटेन रखना है सो डेट आप चार घंटे में एग्जाम इसमें से कोई भी दे रहे हैं तो आप दे पाएँ और अगर साढ़े तीन घंटे में दे रहे हैं तो सी डी पी एस ई में आप अपने आप, पेस आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पेस है वो आपको मेंटेन करना है ये सब चीज़ें हम लोग बच्चों वाली हैं बट इम्पॉर्टेंट है ये सब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको इतना इतना ज़्यादा हैविचुअल कर दूँगा कि आपको इस बात की तो टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी कि मेरा कोई क्वेश्चन छूट सकता है ठीक है वो सब ट्रिक्स मैं आपको आगे बताऊँगा ठीक है ये कुछ गवर्नमेंट आई हैं जो आपको अपने साथ कैरी करना होगा ड्यूरिंग एग्जाम डे हालांकि आज डे वन पे हम लोग ये सब बातें डिस्कस करें अच्छी बात है आपको पता होना चाहिए ये सब कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जो आप नहीं ले जा सकते ठीक है अच्छा इसमें प्रोमेट्रिक सेंटर का भी ऑप्शन रहता है सो तो आप वो भी देखिएगा प्रॉक्टर सॉरी प्रॉक्टर का मतलब अगर अपने घर से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी ठीक है मैं एक बार हाँ ये एग्ज़ाम स्कोरिंग में ये देख रहा था बेसिकली देखिए एग्ज़ाम में जहाँ तक मेरे को पता है क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि हर क्वेश्चन का टू मार्क्स है या थ्री मार्क्स है या फाइव मार्क्स है डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है कितना टफ है उसके हिसाब से उसमें स्कोरिंग होती है और स्कोरिंग को इन्होंने एक टर्म दिया है स्केल्ड स्कोरिंग ठीक है सो बेसिकली इसमें इनका एक स्केल रहता है कॉमन स्केल होता है जो वेरी करता है फ्रॉम 200 हंड्रेड टू एट नंबर ठीक है अगर आपके 800 नंबर आ गए मीन्स आपने सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं और 200 आया है तो मतलब ये लोएस्ट पॉसिबल नंबर है इससे नीचे नंबर नहीं हो सकता और आपको पास करने के लिए फोर नंबर कम से कम चाहिए ठीक है टू पास द एग्जाम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज ये 450 फिफ्टी मार्क्स के ठीक है और ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट रिसोर्स थर्टी डे ओके यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि अगर आपका मार्स जो आता है अगर आप उसको री स्कोरिंग करना चाहते हैं स्क्रूटनी करना चाहते हैं देन आपके पास थर्टी डेज का टाइम है और इसमें कुछ पैसे भी देना होता है ये देखिए सेवेंटी फाइव आपको यूएस डॉलर आपको पे करना होगा फॉर दिस रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फॉर री ठीक है अगर ऊपर ऊपर वाला ना करे अगर कोई फेल हो जाता है तो ये रीटेक के कुछ रूल्स हैं अटैम्प्ट टू मतलब एक अटैम्प्ट तो आप कर चुके हैं और सेकेंड अटैम्प्ट आपको थर्टी डेज के बाद देना होगा उसकी उसमें भी क्लियर कोई नहीं कर पाता है तो थर्ड अटैम्प्ट नाइन्टी डेज और फोर्थ अटैम्प भी नाइन्टी डेज जिस दिन उसने सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट दिया है उसके हिसाब से ठीक है एक बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे थर्ड डे ये जो थर्टी डेज है ना इसके पहले होना भी नहीं चाहिए देखिए जब आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपने अपनी भरपूर तैयारी करी है फिर उसमें कहीं ना कहीं अगर छोटा मोटा कुछ इशू रह गया कुछ गैप्स रह गए तो आपने गैप्स पे काम करिए और फिर आप ज़्यादा डिले मत करिएगा एग्ज़ाम देने में बिकॉज़ होता यह है, है कि आप डिले करेंगे तो कन्सेप्ट आपके, आपके भूलने शुरू हो जाएंगे या वो कन्सेप्ट फ़ोकस आपका उतना नहीं रह पाएगा सो तो बेटर है कि आप फटाफट फिर से तैयारी शुरू करिए फटाफट रिवाइज़ करिए और थर्टी डेज़ के अंदर मतलब बहुत डिले मत करिएगा थर्टी डेज़ होती है या फिर एग्ज़ाम दे दीजिएगा ठीक है फिर यहाँ पे अब पॉइंट आता है कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया फिर क्या करना होगा उसके बाद पहला काम आपको ये करना है कि आपको फिफ्टी डॉलर पे करना है अप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस ठीक है आपको फिफ्टी डॉलर पे करना है उसके बाद आपको अपना एक फॉर्म सबमिट करना है ये मैं आपको अभी आगे दिखाता भी हूँ उसमें आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना होगा और यू नीड टू फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स आपको कुछ फेक एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है ठीक है तो ये सारी बातें इसके बाद आगे इन्होंने कुछ जेनरिक बातें करी हैं वाई सर्टिफाइड ऑल दिस ये सब आप पढ़ लीजिएगा और ये डॉक्यूमेंट पूरा हो जाता है ठीक है अब मैं आपको वापस से ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ कुछ बातें मैं आपको और शेयर करता हूँ ओके अभी आप ये ब्राउज़र देख रहे हैं सो देखिए मैंने पहले से ही सब साइट्स ओपन करके रखी थी बिकॉज आई वॉज नोइंग कि अगर इंटरनेट में कुछ इशू आया तो मेरे को वापस से ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े ये देखिए अभी भी ये वेबसाइट नहीं खुली है मैंने काफ़ी देर से ट्राई किया देखिए ऐसे ही चल रहा था कल भी यही हाल था सो उससे नहीं ओपन हो रहता एनी वे सो मैं आपको ये बताना चाह रहा था देखिए यहाँ पर भी इन्होंने स्टेप दिया है जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको फिफ्टी डॉलर अप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस सबमिट करनी है उसके बाद आपको एक ये फॉर्म सबमिट करना है अप्लीकेशन सबमिट करना है इस यहाँ पे अब अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये तीन स्टेप आते हैं पहले देखिए पास द एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम पास करना है फिल आउट द अप्लीकेशन यहाँ से आप ये वो पी है जो मैं आपकी बात जो मैं आपसे बात कर रहा था इस पी में चारों डोमेन का अभी मैं पी डाउनलोड नहीं करूँगा वो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा उसमें चारों डोमेन का डिटेल डालना होता है एक्सपीरियंस डालना होता है और बाद में इसी डॉक्यूमेंट डौ, में आपको कितना वेवर मिल सकता है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो भी इसमें मेंशन रहता है फिर बाद में वो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो अपलोड करने का ऑप्शन आता है आप उसमें सब अपलोड कर सकते हैं अपलोड करने के फिर आई थिंक टेन वर्किंग डेज में आपको वहाँ से मैसेज आ जाएगा कि वो आपका अप्लीकेशन क्वालिफाई कर गया फॉर सर्टिफिकेशन और नो वो सब डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है ये देखिए ये भी कुछ साइट थी जो मैं ट्राई कर रहा था आपको दिखाने का बट ठीक है आप इस साइट पे थोड़ा वॉक थ्रू करिएगा आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा था ठीक है तो ये हो गया इस आका की वेबसाइट का क्विक वॉक थ्रू यहाँ पे भी देखिए इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं ये जब आप पढ़ लीजिएगा ठीक है इस वेबसाइट को जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपेशन ठीक है तभी मैंने ये पॉइंट भी कवर किया है अब चलिए अपने पीपीटी पर जाता हूँ फटाफट एक रुकिए किधर गया ओके okay, सो so अभी हम लोग वापस से प्रेजेंटेशन पे आते हैं यहाँ पे देखिए ये एग्जाम कैंडिडेट गाइड ये यूआरएल भी था और ये दो यूआरएल थे जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किया था यूएस डॉलर फाइव सेवेंटी फाइव और सेवन सिक्सटी डॉलर ये हमारा मेंबर और नॉन मेंबर एग्ज़ाम uh, कॉस्ट का फीस जो मैंने आपको ही बताया था अच्छा एक चीज़ और है आप अगर स्टडी मटेरियल पे क्लिक करते हैं ना तो आपको एक ये पेज दिखाई देता है यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ देखिए एक ऑप्शन रहता है इसमें सी ऑनलाइन रिव्यू कोर्स आपको अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है सी के थ्रू सो तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं मैंबर अगर आप हैं ईसा का तो आपको सेवन नाइन्टी डॉलर का पड़ेगा अदरवाइज एट का पड़ेगा इसके अलावा ये एक सिमुलेटर्स या क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको टू और थ्री नाइन्टी डॉलर्स में ठीक है ये इनका एक डेटा बेस रहता है ये आप परचेस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है और इसके अलावा आप अगर ये जो राइट right साइड पे देख रहे हैं ये है सियासम की रिव्यू मैनुअल जो आपको परचेज करनी पड़ेगी इसमें देखिए बहुत सारे लैंग्वेज हैं चाइनीज़ है और भी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना चाइनीज स्पेनिश एंड ऑल दिस थिंग्स यहाँ पर आपको देखिए परचेज़ करते समय ध्यान रखना है कि ये इंग्लिश वर्ज़न हो ये देखिए सिक्सटीन टडिशन इज़ द लेटेस्ट वर्ज़न जो कि इंग्लिश वर्जन है एक सौ नौ डॉलर का इसमें करीब ट्वेंटी नाइन डॉलर के आसपास का आपको कुरियर चार्जेस भी लगते हैं यू पी एस कुरियर सर्विस रहता है नॉर्मली वहाँ से ये आता है सो एक सौ नौ प्लस ट्वेंटी नाइन डॉलर आप एड करके आप यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितने तक का पढ़ सकता है इसके अलावा एक ये बुक है क्वेश्चन एंड आंसर एक्सप्लेनेशन करीब ग्यारह सौ क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे आपको ये भी परचेज करना पड़ेगा दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग इन द एग्ज़ाम ठीक है आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये आपको केवल कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि नहीं उसके लिए क्वेश्चन है आप मेरी बात मानिएगा इसके जैसा या इस इस, इस, इस इसमें जो क्वेश्चन हैं उसके जैसा या उससे मिलता जुलता भी या वैसा ही एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा ना आता है मतलब आपको अगर इसको देख के लगेगा कि यार इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वैसा भी नहीं होता है और उसमें से कोई क्वेश्चन है ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी सिमिलर भी और लुक लाइक क्वेश्चन भी नहीं होते हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में एब्सोल्यूट न्यू होते हैं दे हैव वेरी गुड डेटा और उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आपको लगेगा आपने कभी कहीं पढ़ा होगा सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए होते हैं ठीक है बट ये बुक आपको परचेस कर, इसलिए करनी है क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा आपके कंसेप्ट को क्लियर होने में समझने में ठीक है इसलिए आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए मेरा रिकमेंडेशन तो है अब आगे देखते हैं ओके अब आ जाता है अपना टाइमलाइन बैचेस का टाइमलाइन देखिए जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही एक जुलाई से अपने को कोर्स शुरू करना चाहिए था बट आज सेकेंड जुलाई हो गई है एक दिन का लॉस हुआ है बट मैं उसको कवर कर लूँगा देखिए मैं टोटल आ, सिक्स वीक में कंप्लीट कोर्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड आंसर आपका कवर uh, करा दूंगा। जो जुलाई बैच है का जो फर्स्ट वीक है बिटवीन फर्स्ट टू एट वीक यहाँ पे मैं आपके साथ केवल स्ट्रेटजी और प्लान आपका डिस्कस करूँगा बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस और बिफोर गोइंग टू ऑफिस ठीक है और ये आप मुझसे डिस्कस कर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना शेड्यूल बनाइएगा मेरे साथ शेयर करिएगा शेड्यूल कैसे बनाना है वो भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूँ ठीक है तो एक वीक मैं आपको केवल स्ट्रेटजी और प्लान डिस्कस करने के लिए मैंने बनाया है ठीक है यहाँ पर आप सारी बात डिस्कस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके पास कितना टाइम है आप कितनी स्पीड से आ, समझते हुए टॉपिक ख़त्म करेंगे या टॉपिक या डोमेन आप ख़त्म कर सकते हैं वो सब बातें यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी ठीक है इसके बाद चार डोमेन या चार वीक में मैं डोमेन वन टू थ्री एंड फोर ख़त्म करा दूंगा और एक वीक में केवल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूँगा जहाँ पे मैं डेली कुछ क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूँगा ये भी डिस्कस करेंगे कि सर्टेन ऑप्शन वाई इज़ करेक्ट एंड वाई अदर ऑप्शन आर नॉट करेक्ट वो सब मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और वो वीक रहेगा क्यू एन ए सेशन का आप देख सकते हैं बिटवीन जुलाई ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी नाइन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेन टू फिफ्टीन जुलाई तक हम लोग डोमेन वन ख़त्म कर देंगे सेवेंटीन टू ट्वेंटी टू वीक में जुलाई में हम लोग डोमेन टू खत्म कर देंगे थर्टी फर्स्ट इस जुलाई के लास्ट वीक तक हम लोग थर्टी फर्स्ट टू फिफ्थ ऑफ अगस्त तक हम लोग डोमेन थ्री और अगस्त के फर्स्ट वीक में सेवन टू ट्वेल्थ तक में हम लोग डोमेन फोर ख़त्म कर देंगे तो ये है टाइम और कहीं पर आपको कोई भी डाउट है आप ये मेरा नंबर है आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा एंड आई विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं ये है वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था जो फर्स्ट वीक में मैं आपके साथ आ, डिस्कस करने वाला हूँ इसका ये देखिए यूआरएल है एस टी टी पी स्लैश टी डॉट एल वाई स्लैश फोर के ए जेड आप YouTube पे मस्ट वॉच डे 0 ज़ीरो Prep Planning सी एस एम प्रेप प्लानिंग एंड स्ट्रेटी आप ये भी सर्च करते हैं ये उसका थंबनेल है आप ये YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें मैंने स्ट्रेटजी और प्लानिंग बहुत ही डिटेल में बताया है और इसमें एक एक्सेल शीट जो मैं बात कर रहा था वो एक्सेल भी मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया है बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था कि बिकॉज ऑफ ऑडियो क्वालिटी Uh, मेरा जो आवाज़ था वो कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो हो गया था सो so, आप प्लीज़ हेडफोन यूज करके थोड़ा वॉल्यूम तेज करके सुन लीजिएगा बस एक वही प्रॉब्लम है हेडफोन का और कोई रीज़न नहीं है कुछ जिसमें मैंने कोई ऐसा चीज़ नहीं बोली कोई गाली वाली नहीं दी है कि जिससे आपको लगे कि हेडफोन यूज़ करना है आप बस थोड़ा वॉल्यूम तेज करके सुनिएगा बिकॉज आवाज़ बहुत स्लो भी नहीं है बट मेरे को लगता है अगर हेडफोन लगा के सुनेंगे तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट आ जाता है योर टीम अब मेरे को ये स्लाइड ऐड करने में बहुत संकोच में कर रहा था कि ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बट आई थॉट कि आप लोग के साथ क्या शे, क्या क्या ही संकोच करूँ मैं शेयर कर देता हूँ देखिए जो सी का प्रिपरेशन है ये बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का होने वाला है ठीक है आपको इसमें फैमिली का हेल्प लगेगा जिसमें आपके फादर मदर स्पाउस बच्चे या कोई लव वंस आपके आपके साथ होने चाहिए जो आपको आपके स्ट्रेस या जब आप अप्स एंड डाउन्स में होंगे तब आपको आ, आपको हेल्प करे या आपको प्रोत्साहित करे आपको मोटिवेट करे ठीक है मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ सो दैट्स वाई आई हैव रिटन कि आप ये आपकी टीम है जो आपको हेल्प करेगी सी का एग्ज़ाम क्लियर करने में ठीक है और यहाँ पे देखिए चाइल्ड लवंस के अलावा यहाँ पे मैंने अपना भी लिखा है यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम टॉक का मतलब व्हाट्सएप आपको अब तक समझ में आ गया होगा ठीक है एंड यू कैन शेयर ऑल योर थाट्स ऑल योर इशूज़ एंड डी स्ट्रेस योर सेल्फ एंड आई विल बी देयर मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा आपको मोटिवेट करने की आपके साथ आपके थॉट्स डिस्कस करने के लिए बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड मैंने खुद भी जो सर्टिफिकेट इतने सारे किए हैं आई अंडरस्टैंड कि क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं तो प्रॉब्ली आई कैन हेल्प यू देयर ठीक है सो आप अपनी टीम में मेरे को भी रखिएगा टॉक टू मी ये देखिए मैंने अपने लिखा भी है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉक टू मी में एक स्माइली के साथ मैंने अपना नाम भी ये आप मेरे को समझिएगा तो आप मुझसे इसे मैंने अपना व्हाट्सअप का नंबर भी दिया है आप मुझको भी अपनी टीम का वार्ट रखिएगा ठीक है और इसी के साथ अच्छा कुछ आ, पढ़ाते समय ये कुछ चार आइकन्स हैं जो मैं आपको आगे भी बताऊँगा ये मैं कुछ चार आइकन्स का यूज़ करूँगा अपने नोट्स में कहीं पे आपको ये चार पॉइंट्स दिख रहे हैं ना जैसे बैटरी का साइन है जो कंप्लीट चार्ज्ड है इसका इस आइकन का मतलब है कि ये टॉपिक या ये जो कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन डिराइव हो जाए या आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये कंसेप्ट आपको हेल्प कर सकता है तो आपको ये मस्ट रीड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर रहेगा ठीक है या वो कंसेप्ट रहेगा अगर आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं या तीन सेवेंटी फाइव परसेंट बैटरी फुल दिख रही है देखिए मेरे को यही ऑप्शन समझ में आया आइकन समझ में आया अगर आपके पास कोई बेटर आइकन तो बताइएगा विल रिप्लेस विद डैट ठीक है बट आई बिलीव कि ये आइकन काफ़ी हेल्प करते हैं अगर आपको ये आइकन दिख रहा है जिसमें सेवेंटी लिखा है जिसमें सेवेंटी बैटरी चार्ज है मतलब ये जो टॉपिक है या ये जो कंसेप्ट है ये आपको कम से कम दो बार समझना है बिकॉज चांसेज आर देयर इस पर क्वेश्चन बन सकता है या इस इसपे क्वेश्चन पहले कभी आया भी होगा ठीक है सो वो दैट इज़ एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन माय ड्यू ड्यूटेलिजेंस आई कैन हेल्प यू एंड कहीं पे अगर गुड है जिसमें हाफ बैटरी चार्ज है मतलब आप उस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते वो चाहे जितना टफ हो चाहे वो जितना हार्ड टू अंडरस्टैंड हो वो आप मेरे साथ डिस्कस करिए एंड आई विल हेल्प यू टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक ये टॉपिक टफ हो सकता है बट आपको छोड़ना नहीं है ठीक है और फेयर टॉपिक है जिसमें आपको बस पढ़ना है समझना है ग्लांस करना है आपकी नॉलेज में है बस उतना ही बहुत है दैट इज़ माय लास्ट आइकन विच इज़ बैटरी विथ 25 परसेंट चार्ज ठीक है ये कुछ आइकन्स uh, हैं जो आई बिलीव आपको हेल्प करेंगे टॉपिक uh, को फोकस करने में लास्ट ये स्लाइड लास्ट है देखिए यहाँ पे तो 59 आपको स्लाइड दिख रही है बट ये स्लाइड मैंने बना के रखी है जो आपको आ, अपने आगे वाले सेशंस में मैं दिखाऊंगा बट अभी ये दिस इज़ माय लास्ट स्लाइड यहाँ पे देखिए दिस इज कंप्लीट लर्निंग पाथ मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ पहली चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास एक रीज़न होना चाहिए स्ट्रॉन्ग नहीं नहीं वेरी स्ट्रॉन्ग देखिए मैंने स्ट्रॉन्ग को स्ट्राइक थ्रू भी किया है आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न ही वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए बिकॉज जब कभी भी आप डेविएट होंगे अपने टारगेट से तो आपको ये जो वेरी स्ट्रांग रीज़न है वो आपको हेल्प करेगा ठीक है अब ये स्ट्रांग रीज़न आपका वेरी स्ट्रांग रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि यार इसके बाद मेरा पैकेज बढ़ जाएगा या मेरे को प्रमोशन हो जाएगा नो दैट इज दैट कुड बी योर स्ट्रांग रीज़न बट नॉट वेरी स्ट्रांग रीज़न बिकॉज अगर आपके साथ ऐसा नहीं भी होता इवन देन आप सस्टेन कर रहे हैं आपका लाइफ सेटल्ड है फिर भी सो so, आपके पास रीज़न ऐसा होना चाहिए इतना स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए कि उसके पहले से तो कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए इस केस में जैसे समथिंग विच हर्ट्स यू ऑन योर ईगो और समथिंग्स uh, जो आप अपने और अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं जो आप तभी कर पाएंगे जब आप सर्टिफाइड हो जाएंगे जो आप फॉर एग्जाम्पल यू आर यूर यू वॉन्ट टू वर्क इन सर्टन ड्रीम कंपनी वहाँ पर आपको पता है कि आप सर्टिफाइड हो जाएंगे देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू क्रैक द इंटरव्यू वैसा कुछ आप चाहते हैं ठीक है वो आपका स्ट्रॉन्ग रीज़न हो जाता है जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ अगर सपोज किसी बॉस ने है ना कभी किसी को बहुत बुरी तरह डांट दिया हो देन प्रॉब्ली एक अपने से ही एक तरीके से आप रिवेंज ले सकते हैं इसमें यू कैन मैंशन मैं रिवेंज वर्ल्ड यूज कर रहा हूँ बट यू कैन यूज सम बेटर वर्ल्ड जिसमें आप अपने को ये बता सकते हैं कि इसी बिकॉज यू आर नॉट हैविंग दैट मच नॉलेज और सर्टिफिकेशन प्रॉबली दैट कुड बी रीजन दिस बॉस इज़ कोल्डिंग यू प्रॉब्ली एक वो रीज़न आपका हो सकता है जहाँ पे आपका एक इंसल्ट हुआ है या आपका कुछ हर्ट uh, हुआ है समथिंग विच विच इज़ समथिंग यू वांट टू इम्प्रूव सी आई बिलीव ये सब जो हार्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग रहता है ना दिस मेक्स अ डिफरेंस सो हर्ट होना बहुत ज़रूरी है ये मैं थोड़ा पर्सनल uh, लेवल पे बोल रहा हूँ आपको हर्ट होना बहुत ज़रूरी है दैट इज समथिंग विच मेक्स यू टू डू समथिंग न्यू जो आपने अभी तक नहीं किया अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है अगर आप कम्फर्ट जोन में हैं दैट मीन्स आपका ग्रोथ स्टॉप हो रहा है या हो गया है तो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आइए और आपसी ऐसे हम कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप कम्फर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं ठीक है सो डोंट फरी आप मेरे साथ रहिए मैं आपको कम्फर्ट जोन में जाने नहीं दूँगा और अच्छे से आपको साथ आपकी तैयारी शुरू कराता हूँ ठीक है अच्छा ये देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न आपका हो गया यू नीड टू फाइंड अ रीज़न पहले यहाँ पे मैंने लिखा था स्टार्ट बट बाद में मैंने सोचा नहीं नहीं स्टार्ट तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं बिकॉज यू आर ऑलरेडी वॉचिंग दिस वीडियो आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं लगभग चालीस मिनट से ज़्यादा हो चुका है सो यू नो द स्टार्ट पार्ट यहाँ पे भी हेडिंग में भी देखिए आप अगर देखें पहले uh, मैंने कई जगह देखा था लोग लिखते हैं जीरो टू हीरो बट आई थॉट नो वी आर नॉट ऑन जीरो हम लोग जीरो नहीं है वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर सेल्फ सो दिस दिस इज़ अ लर्निंग पाथ दिस कुड नॉट बी सेंग कि हम लोग जीरो uh, हैं हम लोग अच्छी जगह पर हैं भी वी आर एट गुड प्लेस डेट्स वाई वी जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रूव आवर सेल्फ आवर नॉलेज आवर ग्रोथ आवर सैलरी ये सब चीज़ें ठीक है अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने टू मेक अ प्लान एंड स्ट्रेटेजी दिस इज़ द वीडियो विच आई वॉज आई वॉज एक्सप्लेनिंग अर्यर ये वीडियो आपको एक बार देखना पड़ेगा ठीक है इसमें एक मैंने एक्सेल बताई है वो एक्सेल आप मेरे को व्हाट्सएपिंग uh, करिएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा ठीक है नेक्स्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज द की सी आप जब प्लानिंग एंड स्ट्रेटी बनाएंगे ना उसमें आपके पास ऐसा टाइम होना चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए बट उस टाइम पर आपको पढ़ाई करनी ही करनी है मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल बताता हूँ देखिए मैं जब पढ़ाई करता था ना अभी भी जो मैं पढ़ाई करता हूँ सो आई विल इंश्योर कि मैं कभी भी किसी कम्फर्ट जोन में नहीं बैठता हूँ कम्फ़र्ट जोन मतलब काउच पर बैठ के मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ या बेडरूम में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मस्त ए सी चला के ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ मैं हमेशा पढ़ाई करता हूँ अपनी बालकनी में जहाँ पर बारिश का पानी भी आ रहा है जहाँ पर धूप भी आ रही है जहाँ पर मच्छर भी काट रहा है बिकॉज मेरा एक टारगेट है मेरे को वो टारगेट अचीव करना है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा टारगेट है कि मेरे को आज ये दस पेज पढ़ना है या बीस पेज पढ़ना है या ये टॉपिक क्लोज करना है ख़त्म करना है ठीक है मैं अनकम्फर्टेबल जोन में पढ़ाई कर रहा हूँ जस्ट टू इंश्योर कि वो टॉप मेरा आज का टारगेट पूरा हो जाए अगर मैं कम्फर्ट जोन में ना प्रॉब्ली मेरा फोकस भी उतना नहीं जाएगा और मेरे टारगेट का उतना सीरियसनेस नहीं आएगी मैं अनकम्फर्टेबल हूँ पसीना टपक रहा है कोई बात नहीं मैं ये देखूँगा कि जल्दी से मेरा टारगेट पूरा हो मैं अंदर जाके मस्त बेडरूम में बैठूँ आराम से बच्चों के साथ टाइम पास करूँ फैमिली के साथ टाइम दूँ वो सब मैं सोचूँगा बट उस टाइम पे कोई मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करता है हाँ मेरी वाइफ मेरे को उसको पता है कि अगर चार या पाँच बज गया तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ टी तो मेरे को टी दे देगी दे या टाइम पे खाना दे देगी वो सब वो है मेरी हेल्प करती क्योंकि उसको पता है कि मेरे को भूख लग रही है ठीक है तो वो मैं मांगता नहीं हूँ क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते जब इतना फोकस मेरा उधर हो जाता है कि फिर मेरे ख़ुद को भी नहीं याद रहता कि भूख लगी है या पानी पीना है वो वाइफ मेरे को या मेरे बच्चे मेरे को आके दे देते हैं ठीक है वो उनको पता है वो एक बार बात करते करते समझते समझते उतना अंडरस्टैंडिंग हो जाता है सो द पॉइंट इज़ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की है आप कंसिस्टेंसी ज़रूर लाइए चाहे आप सुबह तीन बजे से पढ़ाई करने के लिए बैठे हों चार बजे पढ़ना बैठे हों कोई भी जॉब कर रहे हूँ इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने अपने Uh, कुछ नोट्स मैंने रिकॉर्डिंग करी थी मोबाइल में और जब मैं ऑफिस ड्राइव करने करते हुए जाता था तो लगभग एक से डेढ़ घंटे का रास्ता होता था सो so, मैं रास्ते में हेडफोन पे या अपने ब्लूटूथ uh, स्पीकर पे कार में अपने जो मैंने खुद बोला है मैं वो सुनते हुए जाता था सो so, उससे मैंने पूरे जो जो मैंने पढ़ाई करी है उसका रिवीजन मैं करता था अपने कार में आते और जाते समय तो so, लगभग तीन घंटे की पढ़ाई तो मेरी कार में हो जाती थी सो सेम वे आप चाहे बस से जा रहे हो ट्रेन से जा रहे हो कहीं से भी जा रहे हो सेफ़्टी का ध्यान रखते हुए आप अपनी अपनी ये सब मेथड आप यूज कर सकते हैं आपका टारगेट है आपको सर्टेन पेजेस पढ़ने हैं सर्टेन टॉपिक क्लोज करना है विद इन सर्टेन टाइम अब आपको ख़त्म करना है यू हैव टू फाइंड योर वे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आप अपना शेड्यूल जब मेरे साथ शेयर करेंगे कैसे कि कैसे आपको अपना टारगेट पर डे का अचीव करना चाहिए बट मेहनत तो बहुत साफ ही करनी पड़ेगी मैं आपको डायरेक्शन देता रहूँगा ठीक है इससे आप मेरे साथ टच में रहिएगा एक बार आप कंसिस्टेंसी आ गई कि भाई अभी मैं डेली आराम से पढ़ ले रहा हूँ और वाट एवर मेरा टारगेट है वो अचीव हो रहे हैं ना उसके बाद अब टाइम आ गया है कि आप एग्ज़ाम का आ, जो पैसा है वो आप बुक कर दीजिए क्यों अभी इतनी जल्दी क्यों भाई अभी तो प्रैक्टिस करनी है डम्प्स लगाने हैं अभी से क्यों इसका रीज़न ये है एक मिनट स्लाइड जल्दी आ गई ओके इसका रीज़न ये है कि जब आप एग्ज़ाम का फीस जमा कर देते ना भाई साहब आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी सीरियसनेस का नेक्स्ट लेवल आ जाएगा क्योंकि आपने पैसा जमा कर दिया छोटा मोटा पैसा नहीं होता है अच्छा खासा अमाउंट है सी का ठीक है वो पैसा आपने जब जमा कर दिया अब आपको पता है ये पैसा तो मेरी जेब से गया एक एक ऑप्शन है कि फेल हो जाओ और पैसा को भूल जाओ दूसरा है आपको मेहनत करो पास हो जाओ एंड यू कैन गेट दैट मनी बैक सो ऑफ कोर्स पहला ऑप्शन तो कोई भी चूज़ नहीं करेगा इसलिए अब आपको एक नया लेवल का मोटिवेशन मिलता है जो आप कंसिस्टेंसी तो ऑलरेडी है यहाँ पे आपको एनर्जी बूस्टर चाहिए वो आपको एग्ज़ाम जब आप बुक कर देंगे तब आपको मिलेगा ठीक है इसके बाद हम लोग डंप्स पे फोकस करेंगे अच्छा यहाँ तक आते आते आपका काफ़ी ज़्यादा आपको डंप्स की प्रैक्टिस होना शुरू गई होगी ठीक है डंप्स में जब आप लगा रहे हैं उसका भी क्या तरीका है वो भी मैंने जो ये वाला वीडियो था ना इसमें मैंने बताया कि आपके 1100 क्वेश्चंस आपके लिए 5000 हज़ार क्वेश्चन बन जाएंगे वो सब ट्रिक्स मैंने बताई है इसको ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो वॉल्यूम तेज करके ठीक है तब भी ऐसा नहीं है कि आपको जब आपने मॉक डम्प लगा दिए तो आपको अब आप, आप सोचेंगे कि 70 80 परसेंट आ गया अब आप नाउ यू आर गुड टू गो फॉर एग्जाम नो बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया ये बताइए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कंफर्म करें कि अभी हो गई है सो उसका एक यही तरीका है कि जब आपका स्कोर 90 परसेंट एंड अबव आने लगे आप ये समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी हो गई है हालांकि इसके बाद मैं एक या दो सेशन और भी लेता हूँ जहाँ पर मैं कुछ कुछ क्वेश्चन uh, पूछता हूँ और उस क्वेश्चन का मेथड यही होता है कि मैं उस क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछूंगा जो सी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं मैं आपसे कुछ रैंडम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा और वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इवेल्यूएट करने का ट्राई करूँगा कि भैया आपका कंसेप्ट कितना किस लेवल तक क्लियर है और उसके बेसिस पे आई विल सजेस्ट यू कि आपको एग्ज़ाम की देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ठीक है इसके बाद आपका लास्ट वीक का प्लान आता है लास्ट वीक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपका एग्ज़ाम किस दिन है ये डिपेंड भी करता है आ, आपका स्केडूल क्या है सपोज़ सुबह आपने आठ बजे का या नौ बजे का आपने एग्ज़ाम अरे सॉरी ये कुछ तो इंटरनेट का एक मिनट गाइस कुछ तो फ्लक्च। अभी जब भी मैं जूम करता हूँ ना इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है और ये हैंग होता है और बंद हो जाता है ठीक है मैं आपको कंसर्ट बता जब तक तो ये ओपन हो रही है बेसिकली क्या होता है ना जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं ना अब आपका आ, एक शेड्यूल है सुबह आठ बजे का ठीक है आपका स्कड्यूल है सुबह आठ बजे एग्ज़ाम देना है जिसके लिए और मान लीजिए आपका आपके घर से आपका एग्ज़ाम सेंटर का दूरी है करीब आधे घंटे का ठीक है और आपको आधे घंटे पहले पहुंचना है मतलब आपको सुबह सात बजे घर छोड़ देना है सात बजे घर छोड़ने का मतलब ये है कि आपको लगभग छः बजे के आसपास आपको नहा धो के फ़्रेश होके प्रेयर्स वगैरह करेंगे अब उस दिन वो सब करके आपको अब छः बजे उठना है छः बजे का उठना मतलब आपको अगर आठ नौ घंटे की नींद लेनी है तो कम से कम आप नौ बजे सो जाइए अच्छा डेली आप सोते हैं मान लीजिए ग्यारह बजे बारह बजे और पढ़ाई के लिए आप उठते हैं तीन बजे या पाँच बजे छः बजे सडनली आप एक दिन आप ऐसा अपनी बॉडी के साथ नहीं कर सकते कि आप बोलेंगे भैया अभी काम करो पाँच बजे उठ जाना फटाफट -फड़ तैयार हो जाना और सुबह सात बजे निकल जाएंगे साढ़े सात तक मेरे को एग्ज़ाम देना है और आप बॉडी से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो आठ बजे से लेके अगले चार घंटे तक आपको फुल फोकस होकर काम करे अच्छा रेगुलर डे में आप आठ बजे उठते भी नहीं हैं आप नौ बजे उठ रहे हैं फिर आप तैयार होकर ऑफिस जा रहे हैं ऑफ़िस का, का काम कर रहे हैं वन डे सडनली आप बोलते हैं अपने माइंड को कि भैया चार घंटे को फोकस चाहिए माइंड बोलेगा भैया ये क्या ये कहाँ से लॉजिक आ गया एकदम से क्यों मुझसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक वीक तक अपने माइंड को प्रिपेयर करना है आप अगर जिस दिन आपका एग्ज़ाम है आठ बजे दस बजे उस दिन आपका जो शेड्यूल होने वाला है वही स्कड्यूल आपको एक वीक तक अपने साथ रखना है इनफैक्ट मैं यहाँ तक भी बोलता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम वाले दिन आप सुबह ब्रेकफास्ट जो करने जा रहे हैं अगर आप एक आ, आ, कोई ड्रिंक पिए कोई जैसे फ्रूटी या कुछ ऐसा ड्रिंक पी रहे हैं या बनाना खा रहे हैं तो आप एक हफ़्ते तक वही खाइए रात में जो आप खाने वाले हैं वो भी एक हफ्ते तक वही खाइए आपका एग्ज़ाम अगर 10 बजे है तो ट्राई करिए कि आप 10 बजे मॉक टेस्ट देना शुरू करिए चार घंटे का मॉक टेस्ट आप दीजिए आप अपने ब्रेन को बताइए कि भैया एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम आर्ट्स लेके अगले चार घंटे तक फुल फोकस होकर काम करोगे ब्रेन को ट्रेन करिए ऐसा ना हो कि आप उस दिन थके हुए जाएँ और एग्ज़ाम में अपने माइंड से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ही हैज टू गिवी हंड्रेड परसेंट और वो माइंड पूरा थका हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए सो लास्ट का वन वीक शुड बी द सेम स्कड्यूल जो आप एग्ज़ाम डे फॉलो करने जा रहे हैं इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा ये मैं सुनने में आपको शायद उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा होगा बट ये बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बात है जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैंडेटरी ब्रेक मैंडेटरी ब्रेक क्या होता है देखिए सपोज़ आपका आ, तीन तारीख को आपका एग्ज़ाम है आपको एक तारीख की शाम से आपको पढ़ाई स्टॉप कर देनी है स्टॉप का मतलब कंप्लीट स्टॉप। आपको कोई टॉपिक उस बुक को आपको ये नहीं पता होना चाहिए दो तारीख को कि बुक किधर रखी है आपको कोई टॉपिक कोई एक्रोनिम का फुल फॉर्म तक नहीं पता करना है कोई मॉक टेस्ट कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं देखना है उसका रीज़न क्या है पहली चीज़ तो आपको अपने को ये विश्वास दिलाना रहेगा कि भैया जितना आ, पढ़ाई करनी थी मैंने वो पढ़ाई कर ली नाउ आई हैव नथिंग टू स्टडी दैट वॉज माई बेस्ट थिंग बेस्ट अटेम्प्ट जो मेरे को देना था मैंने वो दिया इसके बाद सेकेंड थिंग होती है आपने अभी तक अपने माइंड को अपनी बॉडी को पूरी तरीके से आपने यूज़ किया उसको पूरा निचोड़ दिया है नाउ दे नीड सम रेस्ट तभी वो थका हुआ दिमाग थकी हुई बॉडी आपको हंड्रेड परसेंट नहीं देगी इसलिए आपको मैंडेटरी ब्रेक लेना होता है अच्छा आपको तीन तारीख को एग्ज़ाम था आपने एक तारीख से पढ़ाई बंद कर दी अब आप क्या करेंगे दो तारीख को दो तारीख को आप मूवी देखेंगे बिल्कुल भी नहीं इनफैक्ट आई एम पर्टिकुलरली कैटेगोरिकली मेन्शन मैंशनिंग आपको वेब सीरीज़ जिसमें मार धाड़ और इतना ब्रूटल थिंग दिखाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं देखना है मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ एक फ़िल्म आई थी आ, पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा है मैं सी सी का एग्ज़ाम देने जा रहा था ये अभी रिसेंटली अप्रैल की बात है और मैंने ट्वेंटी फोर आवर्स पैक वाला जो मैंडेटरी ब्रेक है ये मैंने उस ब्रेक पे था और नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था मैं दिन में वो मूवी देख ली और मूवी थी वेब सीरीज थी आई डोंट नो उसमें इतना मारकाट इतना झगड़ा था कि उसने मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा टायर्ड कर दिया आई वॉज थिंकिंग कि मैं रिलैक्स रहूंगा मैं टायर्ड हो गया अब फिर उस, और वो लकली वो मूवी मैंने दोपहर तक ख़त्म कर दी थी अब मेरे को टेंशन होने लगी यार दिमाग तो अभी टायर्ड हो गया है थकान आ गई बॉडी में फिर मैंने दोपहर से सो गया फिर रात में उठा फिर रात को खाना ना खा के फिर सो गया नेक्स्ट डे एग्जाम दिया और पास हो गया तो मेरा पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसी वेब सीरीज़ या मूवी मत देखिए जो आपको दिमाग को सोचने को मजबूर करे बस आप देखिए भूल जाइए ठीक है कोई कॉमेडी सीरियल देख लीजिए फैमिली के साथ टाइम बिताइए ये बिल्कुल डिस्कस मत करिएगा कि एग्ज़ाम हो जाएगा पास हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा फेल हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है किसी को फैमिली में डिटेल बताने का ज़रूरत नहीं है कि भैया मेरा कल एग्ज़ाम है प्लीज़ प्रे फॉर मी ये सब बताने का कुछ ज़रूरत नहीं है जस्ट पास योर डे रिलैक्स योर टाइम पर खाना खाइए टाइम से सोई है विदाउट स्ट्रेस आप नेक्स्ट डे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए और लास्ट में यू विल बी डेफिनेटली गोइंग टू पास द एग्ज़ाम एंड देन उसके बाद आप मेरे को व्हाट्सएप करिएगा दैट यू पास द एग्ज़ाम अगर आप मुंबई में हैं विल डेफिनेटली गो फॉर पार्टी विल सेलिब्रेट टुगेदर और uh, वहाँ पे मैं फिर आपको आगे की डिटेल बताऊँगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है फ़ॉर द सर्टिफिकेशन ठीक है पहले ही बता सकते हैं ऐसे कोई मैंडेटरी मैंने बस मजाक कर रहा था ठीक है तो ये सब बातें आ, हम लोग करेंगे जब आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे ठीक है और आई एम श्योर आपने अगर ये लर्निंग पाथ पाथ आपने फॉलो किया नो बडी कैन स्टॉप यू टू पास द एग्ज़ाम ये लर्निंग पाथ आपके लिए प्राइवेटल है ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स इट फॉर टूडेज़ सेशन थैंक्स फॉर बींग मी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू टमोरो सेम टाइम एट नाइन पी एम आपके कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरीज है मैं एक बार फिर से बताता हूँ देखिए फैक्ट यही है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं मे बी शायद अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है मेरा चैनल सो so, आपके जो भी कमेंट्स रहते हैं मैं उसको पढ़ता जरूर हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ ठीक है सो आस्क ऑल योर क्वेश्चन क्वेरीज और ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपेशन फिर कल मिलते हैं बाय बाय टेक केयर